दोस्तों, मैं हूं एली, आपकी आज की ट्रेनर, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स कपड़ों के रिलेटेड। तो दोस्तों, फ्रेजल वर्ब्स आपने रेगुलर कॉन्वर्जेशन में सुने होंगे। फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स बहुत इसे इस्तेमाल करते हैं बिकॉज ये कॉन्वर्जेशन को इंटरेस्टिंग बना देता है। तो आज हम ऐसे ही कुछ बढ़िया फ्रेजल वर्ब्स सीखेंगे जो आपके डेली कॉन्वर्जेशन में आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं पहले फ्रेजल वर्ब की तरफ। बटन अप। टू बटन अप का मतलब होता है कि बटन कर लो। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, बटन अप योर शर्ट, यानी कि अपने शर्ट के बटन बंद कर लो। था इजी। और एक सेंटेंस देखते हैं, आई टोल्ड हर टू बटन अप हर जैकेट, इट्स कोल्ड। आई टोल्ड हर टू बटन अप हर जैकेट, इट्स कोल्ड। यानी कि मैंने उससे कहा कि अपना जैकेट के बटन लगा लो, बहुत ठंडी है। था ये इंटरेस्टिंग तरीका सेम सिंपल सी चीज कहने का। चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं, बटन डाउन। बस बटन अप का ऑपोजिट है। तो बटन डाउन यानी कि आप शर्ट का, जैकेट का बटन कर दीजिए ओपन। तो कहते हैं, इट्स सो हॉट, बटन डाउन योर जैकेट, यानी कि कितनी गर्मी है, अपनी जैकेट के बटन खोल दो। था इजी। और एक सेंटेंस देखते हैं, ही बटन डाउन हिज सूट टू डांस। ही बटन डाउन हिज सूट टू डांस, यानी कि उसने डांस करने के लिए अपने सूट के बटन्स खोल दिए ताकि वो फ्रीली डांस कर सके। आई होप ये आपको समझ आया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टू जिप अप। अब ये जिप अप यानी कि अपनी शर्ट, पैंट्स, जैकेट्स में जो जिप होता है उसे बंद करने के लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी जिप अप द जैकेट। लेट मी जिप अप द जैकेट, यानी कि लाओ मैं तुम्हारा जैकेट जिप अप कर दूं, यानी कि बंद कर दूं। या फिर आप कह सकते हैं, जिप अप द बैग, यानी कि बैग को जिप लगा लो। जैसे आपका बैकपैक होता है, पर्स होता है, आप उसे बंद करते हैं ऊपर के डायरेक्शन में, तब आप कहते हो जिप अप। आइए बढ़ते हैं अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ, जिप डाउन, यानी कि जिप खोलिए, जिप डाउन। तो एग्जाम्पल देखते हैं, इट्स हॉट, जिप डाउन योर जैकेट, यानी कि इतनी गर्मी है, जैकेट खोल लो, जिप नीचे कर लो। तो अब बढ़ते हैं कपड़ों के रिलेटेड, यानी कि ड्रेस अप। ये फ्रेजल वर्ब ड्रेस अप तब आप यूज करते हो जब आप कुछ फैंसी कपड़े पहन रहे हो, कुछ तैयार होने वाले हो, बहुत बढ़िया कपड़े पहनते हो, जैसे कहीं डेट पे जा रहे हो। सो फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग आउट ऑन अ डेट, आई गॉट अ ड्रेस अप, यानी कि आई एम गोइंग आउट ऑन अ डेट, मैं जा रही हूँ डेट पर अपने बॉयफ्रेंड या पति या किसी के साथ, और मैं तो अब तैयार होने वाली हूँ। तो अब बढ़ते हैं ड्रेस डाउन की तरफ। ड्रेस डाउन बिल्कुल ऑपोजिट है ड्रेस अप का। आपने ड्रेस डाउन तब करते हैं तब कैजुअल पार्टी या कैजुअल ही रहना है, कहीं कुछ तैयार होने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से कपड़े पहन के पहुँच जाओ। सो फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ बीच पार्टी, जस्ट ड्रेस डाउन, यानी कि पार्टी एक बीच पर है तो नॉर्मल कपड़े पहनो, सिंपल कपड़े पहनो। अब आप सूट वूट पहन के तो जाते नहीं हो बीच पे, है ना, तो ये सेंटेंस आप तब यूज़ कर सकते हो। वेयर इन। अब ये वेयर इन का क्या मतलब होता है? जब आप कुछ नए कपड़े लेते हो या नए जूते लेते हो तो तुरंत कभी कभी फिट नहीं आते। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, आपके पुराने जूते, पुराने कपड़े प्रॉपरली फिट आ गए हैं क्योंकि आपके बॉडी का शेप ले लिया है, पैरों का शेप ले लिया है, तो अभी कंफर्टेबल हो गए। तो बस ये जब आप उस नए सामान को, नए कपड़े को, नए जूते को नॉर्मल कंफर्टेबल बनाते हो पहनकर, उसे वेयर इन कहते हैं। एक एग्जाम्पल में समझते हैं, आई बॉट अ पेयर ऑफ हील्स बट आई हैव टू वेयर देम इन। आई बॉट अ पेयर ऑफ हील्स बट आई हैव टू वेयर देम इन। तो इसका मतलब क्या होता है कि मैंने हील्स खरीदी थी जितनी भी, पर पैर दुखेंगे अगर मैं यूं ही पहन के चली गई। और एक सेंटेंस देखते हैं, शी सेज शी विल हैव टू वेयर इन द न्यू जीन्स। इसका मतलब है कि उसने नई जीन्स खरीदी है और उसे पहनकर थोड़ा कंफर्टेबल, थोड़ा लूज करने की ज़रूरत है क्योंकि नए कपड़े थोड़े से टाइट होते हैं, है ना, तो ये तब यूज़ कर सकते हो।
चलिए बढ़ते हैं अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ, पुट ऑन। पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। तो जब आप अगर कहते हो किसी को कि ज़रा ये पहनो, तो आप कहते हो पुट ऑन द ब्लू ड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये ब्लू ड्रेस ज़रा पहन के दिखाना, या ब्लू ड्रेस पहन लो। और एक सेंटेंस देखते हैं, एली पुट ऑन द जैकेट। तो ये है, आप किसी को कह रहे हो, यानी मुझे किसी ने कहा हो, एली ज़रा जैकेट पहनना। तो था ये इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक बात बता दूँ, ये है ना पुट ऑन एन एक्सेंट में भी यूज़ होता है। जैसे कि आपने अगर किसी को देखा हो कि वो बड़ी कुछ एक्सेंट झाड़ रहे हो, हम जो कहते हैं कि भाई तुम हो तो देसी पर ये फिरंगी एक्सेंट कहाँ से आ गई, तो उसे कहते हो शी इज़ पुटिंग ऑन एन एक्सेंट। यानी कि वो उसके बात करने का लहजा चेंज हो गया, वो जूठी है, वो एक एक्सेंट पुट ऑन कर गई, यानी कि वो एक्सेंट यूज़ कर रही है जो उसकी नहीं है। तो अभी बढ़ते हैं अगले फ्रेजल वर्ड की तरफ, थ्रो ऑन। थ्रो ऑन तो ये आप फेंकते नहीं हो, पर ये कैजुअल टर्म है यूज़ करने के लिए कि हाँ ये आप पहन लो या ये लगा लो। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम जस्ट गोइंग टू थ्रो ऑन समथिंग सिंपल फॉर द पार्टी, यानी कि मैं कुछ सिंपल ही पहन लूँगी पार्टी के लिए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपको वो ड्रेस पसंद नहीं है या कुछ, बस ये एक सिंपल टर्म है, पर ये तब यूज़ होता है जब आप समझो यू नो इंटरेस्टेड ना हो, या फिर यू माइट बी इंटरेस्टेड बट वो पार्टी जो है वो थोड़ी सिंपल है, फॉर यू नो वगैरह वगैरह। तो दोस्तों अगला फ्रेजल वर्ब है ट्राई ऑन। तो ट्राई ऑन तब यूज़ होता है जब वो कपड़े आपके नहीं होते हैं, पर आप कह रहे हो कि चलो मैं ट्राई करके देखता हूँ कि मुझ पे ये कैसा लगेगा। या हो सकता है वो कपड़ा आपका हो या वो चीज़ आपकी हो, पर उस सिचुएशन के लिए आप थोड़े डाउटफुल हो कि पता नहीं मुझ पर ये अच्छा लगेगा या नहीं, या ये चीज़ मैच करेगी या नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, गो ट्राई ऑन दैट जैकेट, आई थिंक इट विल लुक लवली ऑन यू। यानी कि वो जैकेट पहन के देखो, शायद बहुत अच्छा लगेगा तुम पे। हियर ट्राई ऑन माई सैंडल्स, सी इफ दे फिट। हियर ट्राई ऑन माई सैंडल्स, सी इफ दे फिट। यानी कि लो मेरे जूते ट्राई करो, देखो फिट होते हैं या नहीं। ये हम तब यूज़ करते हैं कि जब किसी से बोरो कर रहे होते हैं, तब जो दे रहा है जूते वो ये सेंटेंस यूज़ कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले फ्रेजल वर्ब की तरफ, टेक ऑफ। ये फ्लाइट के लिए यूज़ होता है, नहीं टेक ऑफ, पर ये कपड़ों के रिलेटेड भी यूज़ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेक ऑफ योर शर्ट, इट्स डर्टी। यानी कि शर्ट निकाल दो, कितनी डर्टी है, धोना पड़ेगा। सो टेक ऑफ योर शर्ट, इट्स डर्टी। और एक सेंटेंस में ट्राई करते हैं, टेक ऑफ योर हेलमेट। टेक ऑफ योर हेलमेट तो ये तब यूज़ होता है जब आपने बाइक पार्क कर दी हो कहीं और अब जा रहे हो, पर आपने हेलमेट पहन रखी हो, तो आपको कहेगा कोई, टेक ऑफ योर हेलमेट, हेलमेट निकाल दो। था ये इजी। किक ऑफ, तो किक का मतलब होता है लात मारना। तो ये जनरली आप तब भी यूज़ कर सकते हो कि अगर आप किसी चीज़ को लात मार के निकाल रहे हो, या जैसे कि जूते, बूट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी किक्ड ऑफ हर शूज एंड स्टार्टेड टू डांस। यानी कि उसने अपने जूते निकाल फेंके और वो डांस करने लगी। जूतों के साथ डांस करना होता भी तो अनकम्फर्टेबल है। और एक सेंटेंस देखते हैं, जब आप कहना चाहते हो कि यू नो ये शो बहुत ही बढ़िया हुआ, यानी कि कहते हैं किक स्टार्ट हुआ, तो ये इसका एग्जाम्पल देखते हैं, द शो किक्ड ऑफ ऑन न्यू ईयर्स। यानी कि वो शो बहुत ही बढ़िया तरीके से न्यू ईयर्स पे किक ऑफ हुआ, बहुत ही अच्छे तरीके से शुरू हुआ है। तो अगला फ्रेजल वर्ब है हैंग अप। अब इसे आपने फ़ोन के रिलेटेड जनरली यूज़ किया होगा या सुना होगा, पर मैं आपको कहती हूँ कि इसको आप क्लोथ्स में भी यूज़ कर सकते हो, यानी कपड़ों में। तो एग्जाम्पल देखते हैं, हैंग अप का मतलब क्या होता है कि कहीं लटका देना किसी चीज़ को, कपड़े को लटका देना, बैग को लटका देना। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैंग अप योर ड्रेस, इट्स स्टिल नाइस। हैंग अप योर ड्रेस, इट्स स्टिल नाइस। यानी कि अपना ड्रेस लटका दो, अभी भी अच्छा है, दोबारा पहन सकते हो। ये हम करते हैं जनरली। और एक सेंटेंस देखते हैं, हैंग अप योर सूट, इट शुडंट क्रीज। हैंग अप योर सूट,
इट शुडंट क्रीज, यानी कि आपने जो सूट पहना है उसे बराबर से हैंग अप कर दो, हैंगर में लगा के रख दो साइड में, क्रीज नहीं पड़नी चाहिए उसमें। तो दोस्तों ये थे फ्रेजल वर्ब्स जो कपड़ों के रिलेटेड थे। और भी हम लेसन लाएंगे इंटरेस्टिंग जो आप रेगुलर कॉन्वर्जेशन में यूज़ कर सकते हो, पर उसके पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में मुझे बताइए कि इनमें से आप कौन से यूज़ करेंगे इमीडिएटली। तो दोस्तों मैं थी एली आपके साथ लर्न एक्सपर्ट, जहाँ आपने इंग्लिश सीखी है थ्रू हिंदी। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।